ब्रैकेट में चार्जर कुछ ऐसे लगता है भाई, देख लीजिए लॉक होता है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। ये हमने लॉक कर दिया है, अब ये फिक्स हो गया है, खींचने से नहीं निकलता। फैन कुछ इस तरफ आता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गैजेट। मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश। दोस्तों, आप में से काफी लोग जब मैं ब्रैकेट लगवा रहा था चार्जिंग ब्रैकेट ओला का, तो ये बोल रहे थे कि इतना तो 500 रुपए में लग जाएगा, ये फालतू में वेस्ट है, ज्यादा पैसे ले रहे हैं ओला। तो आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि ये ब्रैकेट लगने के बाद चार्जर के साथ कैसे काम करता है, कैसे लॉक होता है, और दूसरी चीज़ उसमें जो खर्चा आया है एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें लगी हैं, अगर हम उसका डिटेल में ब्रेकअप देखें तो टोटल कितना आता है ये बताऊंगा, और आपको क्यों लगाना चाहिए ब्रैकेट ये सारी बात करेंगे। सो लेट्स गो। तो लॉक करने से वो आसानी से निकलेगा नहीं और कोई चोरी नहीं कर पाएगा उसको, थोड़ा सा एक सेफ्टी हो जाता है, साथ ही गन के रखने के लिए भी प्रॉपर उसमें जगह है। यहाँ पे गन और यहाँ पर इसका चार्जिंग वाला पार्ट। ब्रैकेट के साथ आपको तीन की मिली हुई है, तीन की आप यूज़ कर सकते हैं। जब ब्रैकेट को आप अनलॉक पोजीशन में रखते हैं तब चाबी को लगा के छोड़ना पड़ता है, उस समय निकलता नहीं है। तो अगर आप चाबी छोड़ के चल देंगे तो कोई उसको लॉक करके चाबी ले जाएगा, या ऐसे भी ले जा सकता है, तो ये इशू है इसमें। बाकी सोसाइटी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा ऐसी चोरी वोरी की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो कोई इशू नहीं है इसके साथ। इतनी सेफ्टी आपके चार्जर को बचा लेगी। ऐसे आपको अनलॉक करना होगा, अब ये निकल जाएगा। ये छेद जो है जहाँ से हम लाइट देखते हैं वो फंसता है इसमें, ये वाला पोर्शन ऐसे निकलता है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि एक बार ब्रैकेट में चार्जर लगने के बाद हम जब ट्रैवल करेंगे तो निकल पाएगा कि नहीं, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। गाड़ी के लिए इतनी दूर पे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है जब हम इसको फिक्स करते हैं, ये लेंथ काम नहीं आ पाता है जो पतला वाला। इसका एक ड्रॉबैक भी है, जब आप चार्जर ब्रैकेट पे अपना चार्जर रखेंगे तो जो केबल लेंथ है वो थोड़ा कम आपको मिलेगा यूजेबल लेंथ, क्योंकि बाकी पोर्शन जो है वो लटका रह जाता है। आपको ब्रैकेट लगवाने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक है केबल वायर 3 कोर का, दूसरा है उसका पाइप बाहर का इसके अंदर केबल रहेगा, तीसरी चीज़ है ब्रैकेट, और चौथी चीज़ है सॉकेट विथ स्विच। तो ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो जो केबल है ना 40-45-50 रुपए पर मीटर आता है, और ओला वाला 25 मीटर तक आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 1000 रुपीज़ का वो हो गया। उसके बाहर के पाइप की बात करें जिसको प्रोटेक्शन देगा, उसकी बात करें वो 10 रुपए मीटर आता है, तो 25 मीटर का 250 रुपए हो गया। ब्रैकेट लोग 800 रुपए में 3D प्रिंटिंग से बना के बेच रहे हैं, तो 800 मान लेते हैं। मान लो ब्रैकेट का प्राइस वैसे तो 1100-1200 है, बट 800 भी मान लें, और जो स्विच है उसका प्राइस जो है 150 मान लें, तो भी सिर्फ सामान का यहाँ पे 2200 रुपए हो जा रहा है। ओला आपसे 2350 रुपए ले रहा है, इसमें तो उसने जो इंक्लूड ही नहीं किया है इंस्टॉलेशन चार्ज जो इलेक्ट्रिशियन को देना है, वो ड्रिल वगैरह कर रहा है ये सब। तो मेरे ख्याल से बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, आप लगवा लें, और काफ़ी काम की चीज़ है। खुद ब्रैकेट इंस्टॉल करवाने में एक ही फ़ायदा है दोस्तों, अगर आपका चार्जिंग पॉइंट और मीटर पास में है तभी आपका फ़ायदा है, क्योंकि केबल कम लगेगा, उसके बाहर का जो ट्यूबिंग है वो भी कम लगेगा, तो आपके थोड़े पैसे बच सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। अभी तो हम गाड़ी के साथ लेके घूमते हैं चार्जर, क्योंकि अभी हमको नया नया में थोड़ा सा डर रहता है कि रेंज बीच में धोखा ना दे दे, बट धीरे धीरे हमको जब बिलीव हो जाएगा तो हम चार्जर लेके नहीं घूमेंगे, जब हमको 10-20-30 किलोमीटर जाना हो तब घर पे आराम से ब्रैकेट पे चार्जर आराम करता रहेगा, अच्छे से रहेगा। आप रोज आके लगाएं वहाँ पे, तो आपकी गाड़ी का वेट भी कम हो जाएगा, चार्जर ज़्यादा सेफ भी रहेगा, क्योंकि कई बार बारिश का पानी या वॉश करते हैं तो पानी जो है घुस जाता है बूट में, और आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिलेगा अदर सामान रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्रैकेट मेरे हिसाब से ले लें, काफ़ी सही चीज़ है। और कई बार फुट बोर्ड पर हम रख के चार्ज करने का कोशिश करते हैं, तो कई बार मेरे से तो स्लिप होके गिर गया है, या आप दिन भर हैंडल करेंगे अच्छा भारी है तो कभी अगर आपके हाथ से छूट गया तो 9000 रुपये का चूना लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रैकेट लेने के, उसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ब्रैकेट की, और 2200 रुपये का तो देखिए सामान ही लगा देना है वो तो, और प्रॉपरली चेक करके लगा रहे हैं वोल्टेज वगैरह, तो आपको स्लो चार्जिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कई लोगों को स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल सॉकेट जो उनके घर में पहले से थे वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं,
अगर आप प्रॉपरली इंस्टॉल कराते हैं वोल्टेज वगैरह चेक करवा के तो फास्टेस्ट चार्ज हो पाएगा। और दोस्तों जल्दी से राइड की बात कर लेते हैं, जो हम 1000 प्लस किलोमीटर की ओला स्कूटर के साथ राइड कर रहे हैं उसके बारे में। हमने शुरू किया था बिलासपुर से, उसके बाद रायपुर पहुंच गए थे लास्ट जो एपिसोड तक के, फिर मैं रायपुर आया और वहां पे चार्जर ब्रैकेट का जो है प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं ये देखा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास चार्जर अवेलेबल नहीं था, घर पे था, ये हुआ। उसके बाद हमने गाड़ी को, क्योंकि रेंज ड्रॉप हुआ था पापा के पास इसलिए सर्विस के लिए दिया था, तो सर्विस के लिए एक दिन लग गया लगभग, और जो जो प्रॉब्लम्स आए थे वो सारी चीज़ें हमने बता दी। एक दो वीडियो के बाद हम शुरू कर देंगे वापस से रायपुर से आगे की जर्नी, जो हम 1000 प्लस किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं बस्तर के लिए, उसके एपिसोड्स वो एडिट करूंगा अभी मैं। सो ये है अभी तक का अपडेट। सो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, वैल्यू मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे थोड़ा गैप है,